अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए सारे लोगों की, आपका भी सर घर का खर्चा चलना मुश्किल है। आपकी गैस महंगी हो जाएगी, आपकी CNG महंगी हो जाएगी, आपके खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, सब कुछ चार गुना हो जाएगा। ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 70 रुपये था, उस टाइम पे तो बहुत उछल उछल के बोलते थे बीजेपी वाले सब कि इतना महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये खुद अपनी गिलेवान में झांक के देखे ना मोदी जी क्या कर दिया। देश में कोरोना महामारी से जनता पहले ही परेशानी में है और अब ऊपर से पेट्रोल डीजल के दाम 100 से पार हो चुके हैं। अरविंद केजरीवाल का एक वीडियो काफी वायरल हो रहा है जो 2014 का है, जिसमें वे कह रहे हैं कि अगर नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बने तो महंगाई बढ़ेगी। आप भी देखिए ये वीडियो। कांग्रेस $1 के $8 कर रही है अभी 1 अप्रैल से। आपको याद है मैंने चिट्ठी लिखी थी कमेटी के फैसले के बाद? हाँ, कमेटी के फैसले, जो मर्जी कमेटी तो जो अपनी बिठा लेते हैं अगर जो मर्जी। जयपाल रेड्डी ने कमेटी बिठाई थी, जिसने मर्जी बिठाई थी सर। जो $1 की चीज के $8 कांग्रेस दे रही है चुनाव के जस्ट पहले, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, इनकी सेटिंग तो कुछ हुई होगी। अब महंगाई बहुत हो जाए, मैंने चिट्ठी लिखी मोदी जी को भी, अगर आप मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बन गए तो आप कितने पैसे दोगे? उनका जवाब नहीं आया। मैं सोचा था क्यों नहीं जवाब दिया। अभी मैं जब गुजरात गया, गुजरात सरकार का एक ऑफिसर मेरे से मिलने आया, कहता है मोदी जी ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है कि $8 नहीं $16 होने चाहिए। बताइए, अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए सारे लोगों की, आपका भी सर घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा। मैं, मुझे पता है ABP वाले आपको अच्छी तनख्वाह देते हैं, पर आपका भी घर का खर्चा चलना मुश्किल हो जाएगा अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। आपकी गैस महंगी हो जाएगी, आपकी CNG महंगी हो जाएगी, आपके खाने पीने की चीज़ें महंगी हो जाएगी, बिजली महंगी हो जाएगी, सब कुछ चार गुना हो जाएगा। आप न्यूज 18 का ये ट्वीट देखिए जिसमें वे बता रहे हैं कि देश में पहली बार पेट्रोल 105 रुपये और डीजल 98 रुपये प्रति लीटर से अधिक पर बिक रहा है। मई के महीने में ही पेट्रोल डीजल की कीमतों में 16 बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 94 रुपये प्रति लीटर पर पहुंच गई है। मुंबई में पेट्रोल की कीमत 100 रुपये से पार जा चुकी है। आज से 6 साल पहले मोदी जी ने पेट्रोल डीजल की कम कीमतों को अपना नसीब बताया था। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचाना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है भाई। और आज जब देश में पेट्रोल और डीजल के दाम अपने उच्चतम स्तर पर हैं, तो अब मोदी जी चुप क्यों हैं? 2014 से पहले तो मोदी जी अपने भाषण में मनमोहन सरकार पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर तीखे वार करते थे। दिल्ली में बैठी हुई सरकार ने वादा किया था कि 2009 में उन्होंने कहा था कि अगर हम चुन करके आएंगे, सरकार उनकी चल रही थी, फिर भी कह रहे थे कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में महंगाई कम करेंगे। कहा था ना, कहा था ना। डीजल का क्या हुआ, पेट्रोल का क्या हुआ? मित्रों, गैस हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, हर प्रकार से महंगाई बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है? अच्छा, आपको ये याद है, लोग भूल जाते हैं इसलिए याद कराता हूं, वो हर 3 महीने से बयान देते थे बस 3 महीने में ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? इस बारिश के बाद ठीक हो जाएगा, कहते थे कि नहीं कहते थे? ऐसा कहते कहते 5 साल निकाल दिए ना, भरोसा इसीलिए तो टूट गया है। और बढ़ती महंगाई को मोदी जी 2013 से पहले तक सरकार की नाकामी बता रहे थे। साल का रिपोर्ट कार्ड के कुछ ही घंटों में उन्होंने देश में जिस प्रकार से पेट्रोल के दाम बढ़ा दिए, ये दिल्ली सरकार की शासन चलाने की नाकामयाबी का जीता जागता सबूत है।
देश की जनता के अंदर भारी आक्रोश है और इसके कारण और भी चीजों पर बहुत बड़ा बोझ होने वाला है, सरकार पर भी बहुत बड़ा बोझ होने वाला है। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से ले। लेकिन अगर अब देश में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं तो अब गलती किसकी है? क्या मौजूदा सरकार की नहीं? जी नहीं, ये तो पिछले सरकार की गलती है। ऐसा एक बयान में फरवरी में मोदी जी ने कहा था और एक्टर्स के 2014 से पहले पेट्रोल की बढ़ती कीमतों को लेकर किए गए ट्वीट्स को भी दिखाया गया था। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये बयान आपको दिखाना चाहता हूं जो आपके स्क्रीन पर है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑन पेट्रोल डीजल प्राइस। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर बोले मोदी, पहले की सरकारों के चलते ऐसा हुआ। यानी कि अपनी राज के 7 साल बाद भी ये सरकार पिछली सरकारों पर दोष मढ़ रही है। विपक्ष में आप क्या थे सब जानते हैं। अनुपम खेर, 2012 का दिया गया इनका बयान। मैंने अपने ड्राइवर से पूछा तुम इतने लेट क्यों हैं, तो उन्होंने कहा सर मैं साइकिल से आया हूं। तो मैंने उनसे ड्राइवर से पूछा अरे तुम्हारी मोटरसाइकिल को क्या हुआ? उसका जवाब हुआ कि सर अब वो मेरे घर में है शोपीस के तौर पर, क्योंकि पेट्रोल के दाम बढ़ गए। अमिताभ बच्चन, इनका ये 2012 का बयान है। पेट्रोल के दाम 7.5 रुपए बढ़ गए। पेट्रोल अटेंडेंट ने मुझसे पूछा कितना का डालूं सर, और मुंबई में रहने वाली व्यक्ति ने कहा 2-4 रुपए का डाल दो भैया, जलाने के काम आ जाएगा। कुछ चैनल के पत्रकारों ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों पर सवाल आम जनता से किए, जिसमें लोगों को क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है आप खुद ही देख लीजिए। सर, ये पेट्रोल के दाम नीचे करने चाहिए, थोड़ा गरीब जनता का ध्यान देना चाहिए, मोदी जी को देखना चाहिए। इसके बाद जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी 70 रुपये था उस टाइम पे, तो बहुत उछल उछल के बोलते थे बीजेपी वाले सब कि इतना महंगा हो गया, दालें महंगी हो गई हैं, पेट्रोल महंगा हो गया। अब ये खुद अपनी गिलेवान में झांक के देखें ना मोदी जी क्या कर दिया। पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए क्योंकि आम पब्लिक की जेब पे बहुत असर पड़ रहा है। अभी तो आज के टाइम में धंधा भी नहीं है, जॉब भी नहीं है, पूरी तरह से बेरोजगार, और पेट्रोल की अच्छी कीमत होगी तो आप क्या करेगा। तो आप काम करते हैं रोजाना, आपको कितने किलोमीटर का सफर तय करना पड़ता है, कितना असर पड़ेगा आपकी जेब पर? कम से कम नहीं तो भी मैं 5 किलोमीटर सफर करता हूँ, बट एक्चुअली अभी कैसे आज के टाइम में ऐसी हालत खराब है ना, जॉब भी नहीं है, काम भी नहीं है, और पेट्रोल की कीमत डे बाई डे अप ही होती जा रही है, तो आम आदमी के लिए बहुत खराब है ना। क्या असर पड़ेगा इसका आपको? असर लॉन्ग टर्म में ज़्यादा पड़ेगा, शॉर्ट टर्म में तो नहीं, बट जिस हिसाब से टैक्सेस इस पर बढ़े हैं, इफ़ यू कंपेयर ऑलमोस्ट 2014 के आसपास, 13 के आसपास, जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल का प्राइस ऑलमोस्ट $100 था, तब हम 90 रुपीज दे रहे थे। अब जबकि वो कम हो चुका है, हम उससे ज़्यादा पे कर रहे हैं। तो क्लियरली गवर्नमेंट इसी से फ़ायदा उठा रही है, इसी से पूरा रेवेन्यू कमाना चाहती है। गवर्नमेंट ये नहीं सोच रही है कि आगे लॉन्ग टर्म में लोगों को क्या इम्पैक्ट होगा, आपके लॉन्ग ट्रैवल्स पे क्या होगा। पेट्रोल डीजल के अलावा देश में गैस सिलेंडर, सब्जियां, फल, दाल और तेल की कीमतों में भी वृद्धि हुई है। इस मुद्दे पर न्यूज 24 चैनल पर डिबेट हुई। एंकर संदीप चौधरी ने कुछ औरतों से बात की और उनकी परेशानियों को सुना। तो मनीषा, जो मैं शुरुआती संबोधन में कहा, यह रसोई में जो आग लगी हुई है, बढ़ा चढ़ाकर तो नहीं कह रहा हूं, दिक्कत का सबब है, नहीं कहा है आपने, ये बिल्कुल आपने जो एक सही पिक्चर रखी है आपने, एक रसोई की, एक जहाँ देखा जाता है कि एक घर की शुरुआत किचन से ही होती है और एक घर के बजट की शुरुआत है वो किचन से होती है और किचन पे जाके खत्म होती है। तो जो जहाँ देखिए आपने जो भी चीज़ों के दाम को लेके बोले हैं वो बिल्कुल सही है, और वो जो महंगाई है जिस तरह से बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, जिस और देखा जा रहा है कि हम लोग मानते हैं गैस, आपने गैस सिलेंडर के दाम नहीं बताए, गैस सिलेंडर के दाम 850 हो गए हैं सीधे, जो 600-650 रुपए। सरसों का तेल जो कि हर जगह हर समय हमारे लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है, कहा जा रहा है इस समय पे भी, तो सरसों का तेल उपज जो है हमारे यही हो रही है, वहाँ पे देखा जाए आप कहाँ पे 140-150 था और आज 190 में मिल रहा है। इस सब के बाद भी मीडिया किन मुद्दों में ज्यादा व्यस्त है आप उनकी डिबेट्स देखकर जान ही जाएंगे। बड़े बाबू मतलब ममता अड़ी फिर से लड़ी, तो डाल मैं पात, स्मॉल वुमन बिग ईगो, क्या मतलब है आपका? महामारी में महाभारत कैसे पहुंचेगी राहत? क्या आप इस तरह के डिसोबीडियंस को, अनुशासनात्मक जो कार्रवाई करनी चाहिए एक मुख्यमंत्री को लेट आने पर, आप उसको प्रमोट कर रहे हैं? केंद्र कह रहा है कि IAS अधिकारी इनको आप वापस भेजिए, कार्यकाल पूरा हो गया। दरअसल कांग्रेस पार्टी की पुरानी आदत है हर मुद्दे पर झूठ बोलना और देश को गुमराह करना। अब तो हाईकोर्ट के फैसले के बाद आप लोगों की भी बेचैनी बढ़ गई होगी। हर सवाल पर जवाब होगा बाबा रामदेव का। आप जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं या फिर हंगामा खड़ा कर दिया जाता है।
माफी भी मांग ली, क्या माफी मांगने को क्या कहते हैं, क्या फिर फांसी पर लटका देंगे? मैंने आप गूगल करके देख लीजिए, क्योंकि एक चक्रव्यूह हमें याद है महाभारत में हुआ था, महाभारत में रचा गया था अभिमन्यु के खिलाफ और अभिमन्यु उससे बाहर नहीं आ पाए थे। क्या बाबा रामदेव को एक चक्रव्यूह में फंसा दिया जा रहा है? उस मानसिकता का क्या किया जाए जो मानसिकता या तो धर्म विशेष की चास्त्री से बुनी गई है या फिर डर के आधार पर, धार्मिक खौफ के आधार पर चलती है। विपक्ष तो सरकार से सवाल भी कर रहा है और बढ़ती कीमतों के खिलाफ प्रदर्शन भी करता दिखाई दे रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, केंद्र सरकार की प्राथमिकता सोशल मीडिया, झूठी इमेज। जनता की प्राथमिकता रिकॉर्ड तोड़ महंगाई, कोरोना वैक्सीन। ये कैसे अच्छे दिन। हम तब सरकार से उम्मीद ही कर सकते हैं कि सरकार जनता की परेशानियों को समझेगी और बढ़ती महंगाई को काबू करने पर ध्यान देगी। पंजाब टुडे रिपोर्ट। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।